संपन्न है अपनी लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक गीत संगीत से, और ये खजाना आप तक लाते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी। वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, सबने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हर को वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कहर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव गांव और शहर शहर में बात चले, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चले। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और BVFCL के नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। संगीओ आज दिवाली के त्यौहार है, तुम्हार मन के बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे छत्तीसगढ़ के ये स्टूडियो डहर ले आप मल्ला दिवाली त्यौहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। और संगे संग में एक पतरी रंगी झंगी रह रतन धरती देवी कैसे के करो मन तुम्हारे छत्तीसगढ़ के मोरे भैया। हाँ संगीओ गाड़ा गाड़ा बधाई के संग में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तुम मन जाना था कि आज अन्न के घलो पूजा करे के समय आए, और ये अन्न के देवी हमार जो धरती माता है जेना कचरा और माटी खा के हमला नानम प्रकार के स्वर्ग के आनंद जैसे देवैया चीज फल हमारे देते संगी हो, तो ऐसा धरती के सेवा करिया किसान मन के समृद्धि बढ़ाए। एक स्थिति हमार ये जो कृषि दर्शन के कार्यक्रम है तेला शुरू करेगी संगी। तो आज हम आप मल्ला कृषि यंत्र जो है मशीन नवा नवा रवि जो फसल है तेखर पर कौन कौन से कृषि यंत्र आए हैं और उपयोग कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। काबर तुम जानत हो कि जब ये मशीन आए तब ले हमारे जो काम है तेन कम समय में होते हैं, कम पैसा के लागत में होते हैं और उत्पादन गलो बढ़े है संगी हो। लेकिन ऐसे कौन सा काम नहीं है खेती के जेखर पर यंत्र नहीं हुई, तो आओ ओकरे विषय में आज चर्चा करबो। और ये विषय में हमारे बीच में विद्वान के रूप में प्रोफेसर के हमारे जो आए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से वो है पावर और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा जी, आपके स्वागत है, जय जोहार। और आप जो नहीं थे मृदा और अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र सिन्हा जी समझता हूँ, नमस्कार, आपके स्वागत है। तो सबसे पहली वर्मा जी हम आपसे ये जानना चाहबो कि चाहे कोनो भी मशीन के बात चले, कृषि उपकरण के मशीन की बात चले, चाहे रबी फसल के, एक जीरो सीड ड्रिल नाम के मशीन के नाम जरूर आते हैं, तो ये जीरो सीड ड्रिल क्या चीज है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ एक फसली क्षेत्र है और खासकर जो छत्तीसगढ़ में एक फसल जो ली जाती है धान की फसल ली जाती है। धान की जैसे अभी कटाई का काम चल रहा है और कटाई के बाद यदि मान लो हम कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हैं तो उसमें ये है कि बगैर कोई खेती की तैयारी किए, मतलब खेत में जुताई किए बगैर सीधे हम बुआई कर सकते हैं। फायदा ये होता है कि जो नमी है उसका उपयोग हो जाता है और एक तरीके से जो खेत की जो तैयारी करने के लिए जो समय बचता था वो समय बच जाता है। दूसरी बात क्या है कि यदि मान लो हम अभी फसल को बो लेते हैं नवंबर के 15 तारीख तक बो लेते हैं तो अपने जो ठंड का समय पड़ता है वो काफी जो 15 फरवरी तक या फरवरी के अंत तक एक लंबा समय ठंड का मिल जाता है, तो एक चांस बनता है कि हम यहाँ पर दूसरी फसल ले सकते हैं। जीरो टिल मशीन एक तरीके से बोने की मशीन है और इसकी सहायता से हम यहाँ पर जो खासकर जो रबी में जो फसलें बोई जाती हैं, खासकर गेहूं है, चना है, अलसी है, इन फसलों की बुआई बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी संकाय में इस पर अनुसंधान किया गया और बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन भी किया है। अच्छा, ये जो जीरो टिल सीड ड्रिल है न केवल बैल चालित भी उपलब्ध है, अच्छा, साथ ही साथ ट्रैक्टर से चलने वाले मुख्य रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। जी जी, ये किसान भाई फोन ले लेता। हेलो, नमस्कार भैया, कौन बोला था संगी? बड़ी में बोले भुवन दास जी, पूछा क्या पूछना चाहता था? हमारो डाले तो हुआ लगाड़ा गाड़ा बधाई है। तो मेरे से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में, खासकर यदि हम ब्यासी सिस्टम में यदि बोते हैं तब तो खेत हमारा ठीक तरीके से तैयार हो जाता है, परंतु यदि हम रोपा लगाए हैं तो जो प्लॉट्स हैं मतलब जो एक बार जब जुताई करते हैं तो काफी बड़े साइज में आते हैं, इसको
यदि छोटे टुकड़े में बदलना है, ढेला तो छोटे टुकड़े में बदलना है तो किसान भाई डिस्क हैरो का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रोटावेटर एक काफ़ी मतलब पॉपुलर यंत्र हो रहा है जो कि मतलब जो जो ढेले हैं उसको बारीक तोड़ने में काम आता है। तो ये दो मशीनें हैं, एक तो डिस्क हैरो का उपयोग कर सकते हैं, डिस्क हैरो रोटावेटर कर सकते हैं। इनकी क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, मतलब करीब करीब अभी घंटे में एक एकड़ की ढेला को आराम से फोड़ सकते हैं। जी जी, यही तो बढ़िया सुंदर बताया सिन्हा जी। आप जो कम पानी है किसान भाई मन में और उनको रबी फसल ज्यादा लेना चाहते हैं तो किसी ढंग से क्या करें, मन क्या उपाय करें, कैसे लगे खरीफ फसल में तो किसान भाई मन जितका खेत रहते तक पर बो देते। जब रबी फसल की बारी आते तो सोचल पड़ते कि पूरा खेत ल बो हूँ कि आधार बो, जितका पानी है उतका बो सकी। तो साधारण जो सिंचाई विधि है जो हम नाली बना के पानी देते हैं ऐसे बोबे, और उतने नया सिंचाई पद्धति जो है जिससे ड्रिप हो गए, स्प्रिंकलर फवारा सिंचाई पद्धति हो गए, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति में ड्रिप इरिगेशन जो है टपक टपक या बूंद बूंद का थे ऐसे ले उपयोग करू तो जल के उपयोग क्षमता बढ़ जाते कि एक मतलब वतखिच पानी में आप मन ज्यादा क्षेत्र के खेती कर सकते हो। तो ये उपयोग क्षमता ला बढ़ाए बर हम नवीनतम जो सिंचाई पद्धति है ड्रिप है फवारा है एकर प्रयोग कर सकते हैं बजाय कि जो हम नाली से जो पानी देते हैं। कब खरीफ में तो कोई दिक्कत नहीं रहा है पानी मिली जाते, लेकिन रबी में किसान भाई ने सोचल पड़ते कि पूरा खेत ल बुआई करो क्या दल करो पानी के हिसाब से। तो एकर में नया सिंचाई पद्धति एकर में उपयोग करना चाहिए किसान भाई मतलब सिंचाई मशीन के उपयोग। हाँ, मशीन तो नहीं है, पाइप के नेटवर्क बने हैं तेकर आधार पे वो पानी है बूंद बूंद करके खेत में पहुंचते हैं। और खासकर विशेष रूप से जैसे कि दो जैसे सब्जी वाली फसल है ना, तो सब्जी वाली फसल पर ये जो जैसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है ये बहुत अच्छा वरदान साबित है हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी जितना फसल है तेकर मन पर। अब जैसे रबी में मान लो ये गेहूं ले हस चना ले हस एकर मन पर फवारा सिंचाई पद्धति है तो एक उपयोग करे के तरीका तो जाने पड़े किसान भाई ला जी जी। की सीधे जैसे नाली में हम पानी रापा खोद के पानी चढ़ा देते खेत में वैसे नहीं करे पड़े, कैसे ऐसे ढंग से बने ढंग से करें कि उपयोग क्षमता बढ़ सके एक एक बूंद के हिसाब हो सके, ऐसे सोचल पड़े तब से जल के उपयोग क्षमता बढ़ सके। बढ़िया बताओ आप। हाँ वर्मा जी, जैसे समन्वित खेती करना चाहते हो किसान भाई मन एक साथ दो फसल तीन फसल ओमा ये जो मशीन है देखा उपयोग मन कैसे कर सकते हैं, खासकर जब जो सिड्रिल से बोने का है। वैसे तो किसान भाई एक तरीके से उसको मैनुअली बोते थे, मतलब खुद किसान लोग एक एक दाना लगा करके बोते थे, परंतु आज जैसा कि तेजी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है जो हमारे खेती के जो लेबर थे वो औद्योगिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो खेती करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। एकदम सही बताओ तो नहीं मिला, मैन पावर नहीं मिला। हाँ बिल्कुल नहीं मिला, और खासकर रबी फसल में आपके पास समय कम है तो इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इंटरक्रॉप सीड्रिल का विकास किया गया है और इस पर हम लोगों ने काफी जगह इसका प्रदर्शन भी किया है, पिछले दो तीन साल से इसका काम कर रहे हैं और इसकी सहायता से आप दो फसल तीन फसल इस तरीके से अलग अलग फसल को आप एक साथ बो सकते हैं। जैसे आपको मतलब चना बोना है, चना के साथ अलसी बोना है या चना के साथ गेहूं बोना है, एक ही मशीन से अपन उसको बोने का कार्य कर सकते हैं। इसको इंटरक्रॉप सीड ड्रिल बोलते हैं जी। एक और अलग अलग से आते हो ना लगा सकते हैं, अलग अलग इसमें खांचे बने होते हैं जी, और जिसमें कि जैसे हम दो कतार में गेहूं लगाना चाहते हैं उसका एक कतार में चना लगाने लग जाते हैं, इसके लिए कंपार्टमेंट बना होता है। अच्छा। और उसकी जो मीटरिंग है जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि गेहूं 40 किलो प्रति एकड़ गिरे तो वो 40 किलो ही गिरेगा, और यदि मान लो हम चाहते हैं कि चना 30 किलो गिरे तो जिस जैसा चाहते हैं उसके साथ। अच्छा, अच्छा। हाँ वो उसमें अरेंजमेंट। तो ये मशीन किसान भाई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बहुत से जगह पर इसका प्रदर्शन भी करते हैं जी जी। और वहाँ पर किसानों को बुला करके दिखाते भी हैं जी जी। और मेरे से ये व्यावसायिक रूप से भी बहुत सारे जो डीलर्स हैं यहाँ पर उनके पास भी ये यंत्र उपलब्ध है जी जी। सिन्हा जी, वो जैसे बूंद बूंद टपक पद्धति से पानी के उपयोग करना है किसान भाई मतलब, तो उन कौन कौन बात की विशेष सावधानी रखें, कौन कौन बात विशेष ध्यान रखना है। बूंद बूंद पानी के देते हैं पद्धति इस्तेमाल करत है तो वो पद्धति के जान है रे ओकर फिल्टर। अच्छा, पानी है बूंद बूंद होके फिल्टर कौन में लगे थे? फिल्टर जैसे बोर में से खींचे पानी है ना, ओकर बाद पानी है तो तीन चार जो पाइप के नेटवर्क है तेमेर से निकल के जाते। अलग अलग प्रकार के फिल्टर होते जैसे कि एक रेती के फिल्टर रहते है ना, एक साइक्लोन वाला फिल्टर आते बड़े बड़े पार्टिकल जैसे तो पानी खींचे और बड़े बड़े आते दाना रेती के अलग कर सकते हैं। ओकर डिस्क फिल्टर तक आते बिल्कुल मतलब पानी में नान नान काई है, नान नान काई है बारीक बारीक काबर ये काई है यदि पाइप में गीस काबर निकल ही कहां जहां ड्रिपर लगे हैं जहां बूंद बूंद टपकते मेरे और उच पर जाके सकला ही
और जी छकलात सकलात ने वो छिदल बंद कर दी एकदम। ये ड्रिप सिंचाई पद्धति में प्रमुख ख्याल यही रखे पड़ी है जान हरे ड्रिप उकर फिल्टर सिस्टम जी, जी। मतलब हम जो पानी इस्तेमाल करते करीब दूसरा पानी तो इस्तेमाल कर सकते हैं तरियक पानी घरों इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन तरियक पानी इस्तेमाल कर फिल्टर में वो ज्यादा ध्यान दे पड़ी। और जिसे अभी हम खेत में किसान भाई के हम देखे हैं जिसे बोर से जो पानी लेते है ना तो बोर के पानी बिल्कुल साफ रहते बहुत कम गंदगी रहते तो एक ठन सीधा सीधा एक ठन डिश की फिल्टर लगा के काम चला लेते जी। लेकिन यदि पानी ज्यादा जतका गंदा है उतकी उत्तर फिल्टर पर ज्यादा ध्यान दे पड़े। अच्छा और ड्रिप सिंचाई पद्धति में दूसरा चीज है जो है वो है मुसवा। मुसवा का करते खेत में वो पाइप जो रहते प्लास्टिक के पाइप ओला कुतरे मोल बड़ा मजा आते तो ये मैं तुमको घरों देखे पड़ी कि खेत में मुसवा झन रहे खेत में तो रहबे करी लेकिन जो किसान भाई तल देखे पड़ी कहा पर हमारे यदि कहीं पाइपलाइन ले कुतर दिस बीच के सब वो पानी उही कर ले बुहा ही और तो नहीं देखे ध्यान से तो पौधा जे में टपक टपक के बूंद बूंद पौधा पानी मिलना जैसे वो पानी नहीं मिल पाई तो ये विशेष रूप ध्यान पड़े कि एक मुसवा कहीं तो नहीं है ये जांच तो करते जांच बीच में अपन निरीक्षण करते रहो जी, जी, कि कोनो में ऐसे तो नहीं है कोनो में लीकेज हो गए हैं उतर के अलग तो नहीं कर रहे हैं और कोनो में काई जमे के कारण ऐसे तो नहीं हो गए जो इमीटर कहा था या ड्रीपर कहा था जेमे से बूंद बूंद पानी गिरते वो गिरल बंद हो गए हैं ऐसी स्थिति गलो हो सकते हैं। और दूसरा फायदा ये में ये है तेहे खाद ला घुलनशील जो खाद आते उल्टे दे सकता कई जिसे हमन 2010-11 में प्रोजेक्ट में जैसे फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम नई दिल्ली से पैसा आ रही तो हम किसान भाई बन के खेत में ड्रिप इरीगेशन तक तो लगवा रहे हैं जी जी तो उमे का है पूरा का पूरा सिस्टम ला लगवाबे ज्यादा पैसे लगते तो कई जन किसान भाई बने सीधा एक वेंचुरी लगा दे रहे हैं और अपन जो ड्रम रहते प्लास्टिक के ड्रम उही में खाद ला डाल के घोल दे और वो ड्रम से वो तहन वो खींच ले पानी खाद ला और पानी के साथ साथ खाद हद तक बूंद बूंद करके चले जाए सही जगह चले जाए पौधा की जड़ जी, में जी, जी, तो ऐसे करे से क्या होते पानी की उपयोग क्षमता तो बढ़ते खाद के उपयोग क्षमता घलो बढ़ते। अच्छा अभी अब ड्रिप सिंचाई पद्धति में जिसे भी अभी देखा था कि जो मल्चिंग और पलवार जो गोलधन कथन है ना कभी नमी रबी फसल चला थे तो नबी फसल चला थे तो हम लोग एक तो जल की उपयोग क्षमता बढ़ा के काम करना है और दूसरा ये करना है कि जल की हानि घलो झन हो सके ये बहुत जरूरी है ना तो जल के हानि के देखबो हो तो एक तो सूर्य नारायण है ओला मौका मिलते तो तीर देते पानी ले है ना तो ओकर से ती बार हम करते हैं मल्चिंग तो मल्चिंग कर एक दूसरा फायदा है जैसे ड्रिप लाइन हम बिछा है उही लाइन के ऊपर में हम बिछा देते हैं प्लास्टिक के चादर जी। तो अभी हम एक ठन प्रयोग और करते हैं कि किसान भाई ला दुकान मार्केट जाए पड़ते वो प्लास्टिक के चादर खरीदे पर वो इंडस्ट्री से बन के आते प्लास्टिक के चादर है का अभी हम अध्ययन करके ये पता करना चाहते हैं कि जैसे जो दूसरा प्लास्टिक है जैसे किसान भाई बहन प्लास्टिक खातों के बोरा सीमेंट के बोरा है दाल चावल जैसे तेकर बोरा का वो अतका वतने वतके काम कर सकते नमी रोके पर नमी रोके पर मल्चिंग के दूसरा फायदा ये कहू रहे जते ढक देवे तो न तो नीचे सूर्य की रोशनी जाही और जतका जतका जो 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 तो पौधा ते फसल ले हस तेला मल्चिंग सीट में छेद करके वो पौधा ले निकाल दे बाहर हाँ, निकाल दे हाँ, और बाकी लग चपके रहा दे तो नीचे में जब तो सूर्य नारायण के रोशनी नहीं जाही और पानी नहीं जाही तो जो खरपतवार है वो खरपतवार मरत जाही। अच्छा, तो खरपतवार मर ही तो जो न्यूट्रिएंट हम देहन जो पोषक तत्व देहन ओला सीधा हमार पौधा है ली और जो खरपतवार नहीं मिली ऐसे जो ड्रिप सिंचाई पद्धति के साथ साथ दो तीन तो और फायदा है खासकर जो उद्यानिकी फसल कहा था हम हॉर्टिकल्चर वाला। अच्छा मान लीजिए पाइप खराब होगी कहूँ जी हाँ टूट गए फूट गए तो कैसे बदले बदले की क्या व्यवस्था है बहुत आसान है काबर लोहा के पाइप में काम करना और प्लास्टिक के पाइप में काम करना बहुत अंतर रहते जी जी ये तो नानकुन जो ब्लेड आते वही ब्लेड में कुतर के छोटे छोटे ज्वाइंटर आते हैं जैसे देख दो कि हमारे पाइप में लीकेज हो गए हैं तो हमें ज्वाइंटर लगा सकते हैं। अच्छा बस ये है कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जांच करे पड़े मुख्य पाइपलाइन तो का जमीन के नीचे हम लगा के देते हैं दो तीन फीट नीचे गड्ढा खोद के पहली बिछा दी जाते हैं लेटरल पाइप जो थे ना वही बस जमीन के ऊपर रहते बिल्कुल ठीक दो तीन फीट नीचे करे से क्या होते यदि ट्रैक्टर निकल गए मशीन निकल गए तब बोले कुछ नहीं हो पाइप खराब नहीं हो बस ये बहुत जरूरी सब चीज ये सब जरूरी तो मुख्य पाइपलाइन नीचे रख लेते हैं और जो लेटरल पाइप ऊंचे ऊपर में रहते और लेटरल पाइप में ही जहां जहां पौधा पानी गिराना है जैसे दो प्रकार के हमारे अभी चला थे एक ऑनलाइन ड्रिपर और इनलाइन ड्रिपर तो ऑनलाइन ड्रिपर में बाहर लगे रहते इनलाइन ड्रिपर में अंदर में छेद रहते अच्छा। है ना तो इनलाइन ड्रिपर जिससे सब्जी भाजी खेती है जैसे मान लो पत्ता गोभी फूल गोभी लेना है 30-30 सेंटीमीटर में पौधा से पौधा लगे हैं इनलाइन ड्रिपर बड़ा अच्छा रहते मन पर पूरा और साथ में मल्चिंग कर दे तो दुगुना फायदा मिल जाते हैं
तो ये सब चीज ध्यान किसान भाई देखे रखना चाहिए। अच्छा जैसे वर्मा जी, ये अगर हमारे किसान भाई मन दो कतार में तीन में अरसी बोना चाहते हैं और दो कतार में दूसरी चीज जैसे मूंग अगर बोना चाहते हैं तो ये उपयोग कैसे करेंगे? ये जैसा मैंने बताया कि ये जो इंटरक्रॉप सीड ड्रिल है उसका उपयोग इसमें कर सकते हैं। जी जी। और एक अभी हमारे किसान भाई मन के भी एक विराम, छोटे से विराम संगी हो और विराम के बाद में आज के चर्चा जारी रखबो, फिर आवत हन आपके सेवा में। दूरदर्शन का फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम यानी डीडी डायरेक्ट प्लस अब हो गया है डीडी फ्री डिश। 33 चैनलों से आरंभ हुई इस सेवा में अब आप 59 टीवी चैनल और 22 रेडियो चैनल का आनंद ले सकते हैं। भविष्य में इन चैनलों की संख्या बढ़ाकर 97 चैनल दिखाने की योजना है। इन चैनलों में आप हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं जैसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि के चैनल भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप संगीत, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, धर्म, समाचार, फिल्म और अन्य मनोरंजन चैनल भी देख पाएंगे। भारत में डीटीएच सेवा देने वाले अन्य सभी ऑपरेटर जहां दर्शकों से मासिक शुल्क लेते हैं, वही दूरदर्शन फ्री डिश के द्वारा आप अपने सभी मनपसंद चैनल बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। ये सभी चैनल फ्री में देखने के लिए आपको दूरदर्शन फ्री डिश का सेटअप बॉक्स और एक छोटा डिश एंटीना खरीदना होगा। तो आज ही डीडी फ्री डिश घर लाए और मुफ्त चैनलों का लाभ उठाएं। विराम के बाद में हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तो हर मन के फिर स्वागत है। आवा आज की जो चर्चा है मशीन रबी फसल पर कैसे कर जाए फिर आगे बढ़ाते हैं, तो आप बता रहे जैसे मैं ये बता रहा था कि मतलब अलसी लगाना है और साथ में मूंग भी लगाना है। जी जी। इसके लिए दो तरीके की मशीन हो सकती है, एक तो इंक्लाइन प्लेट प्लांटर आता है, दूसरा एक न्यूमेटिक प्लांटर आता है। अच्छा। जो कि मतलब न्यूमेटिक प्लांटर जो होता है ट्रैक्टर के जो पीटीओ रहता है उसकी सहायता से चलता है। इसमें जैसे अपन क्या करते हैं सक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे किसी चीज को अपन को खींचना है, जैसे स्ट्रा से अपन कोई चीज खींचते हैं ना, उसी तरीके से वो खींच सकते हैं। तो एक एक दाना उसमें अलग अलग लगते चले जाता है। अच्छा, अच्छा। और वो ग्रेविटी से जिस पर्सन पर जहाँ पर गिरना है वहाँ पर वो गिरते जाता है। उससे क्या है कि प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस है वो हम मेंटेन करते हुए चलते हैं। और साथ ही साथ जब अलग अलग फसल लगाना है उसके अलग अलग बॉक्स पर हम उसको रख करके इसको उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, उपयोग हो सकते हैं। और एक आध दाना जैसे सूरजमुखी वगैरह गिराना है तो हर बार कौन सा मशीन का उपयोग कर सकते हैं? किसी जो जैसे मैंने बताया कि न्यूमेटिक जो प्लांटर है उसमें क्या है जैसे एक एक सूरजमुखी का पौधा जो है एक एक दाना लगाते हैं, तो वहाँ पर एक एक दाना लगाना एक तरीके से बहुत कठिन है और पैसा भी खर्चा बहुत लगता है, क्योंकि एक तो आपको बेंडिंग पोस्चर झुककर लगाना है, झुककर लगाने में काफी समय भी लगता है। उसकी जगह यदि हम मशीन का उपयोग करें इसमें क्या है जैसे मैंने बताया कि न्यूमेटिक जो सीड ड्रिल है उसमें क्या है एक एक दाना उसमें चिपक जाता है और वो उस पोर्शन में जाने के बाद वहाँ पर गिरते जाता है। तो हम ये चाहते हैं जैसे एक फीट पर गिरे तो ठीक एक फीट की दूरी पर वो एक एक दाना गिरेगा और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस जो है वो अपन मेंटेन कर लेते हैं, साथ ही साथ रो से रो जो डिस्टेंस है वो भी उसमें मेंटेन हो जाता है। जी अच्छा, मशीन ज्यादा दिन तक चला है, खराब मत हो, बढ़िया उपयोग, एक बार कौन कौन सा सावधानी रखना जरूरी है? जो कृषि यंत्र है खासकर उनमें उनका रख रखाव बहुत आवश्यक है। जी जी। जैसे आप उपयोग कर रहे हैं, उपयोग करने के बाद उसमें जो सबसे पहली बात किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए जो उसमें खाद है उसको तुरंत आप निकाल लें, उसको धो लें, धोने के बाद उसको एक तरीके से साफ करके रखें। अच्छा। नहीं यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है कि आपकी उसमें पूरा जंग लग जाता है और बहुत भी परेशानी की स्थिति बन सकती है। दूसरा यह है कि जितने भी घूमने वाले पोर्शन हैं उसमें ग्रीसिंग कर लें, ऑयलिंग कर लें, क्योंकि यदि मान लो ये छोटी छोटी सावधानी रखते हैं तो निश्चित रूप से मशीन आपकी सुरक्षित रहेगी, जिस समय जरूरत है उस समय अच्छा उपयोग कर सकेंगे और साथ ही साथ जो बड़ा खर्चा है खराब होने का जो डर है वो बच सकते हैं। जी जी, की सावधानी रखना। अच्छा सीना जी, ये हमारे सरकार डाल ले ये ड्रिप पर और टपक सिंचाई पर का सहयोग मिलत है, किसान भाइयों का लाभ कैसे ले हुए? ऐसे जिसे सरकार के जो परियोजना है सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, ओकर तहत सरकार ह लघु और सीमांत किसान मन ल फायदा देते। अच्छा। इसमें 50% तक अनुदान तको है ना, छोटे किसान मन पर, बड़े किसान पर तको 25% तक अनुदान है। अच्छा। लेकिन ये समय समय में अनुदान की राशि है जिसे जिसे परियोजना आते थे तेरे हिसाब से घटत बढ़त रहते। एक अलावा कुछ ऐसे बीच में तको प्रोजेक्ट आते थे जैसे हमारे मन के प्रोजेक्ट जैसे फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम जो कृषि मंत्री केंद्रीय जल आयोग से रही से प्रोजेक्ट है। जी जी। वो कहता था हमन किसान गांव में खैरागढ़ के बहुत जन किसान के यहाँ फ्री में बिल्कुल फोकट में पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। है ना, ऐसे बहुत सारे परियोजना तक वो आते रहते और कुछ नियम है कुछ बदलत रहते, कोई 25% 50% एक साथ बदलत रहते, तो किसान भाई मन एक विशेष रूप से ध्यान रख सकते। एक अलावा जो कुछ और परियोजना जिस हमन के बताए इनमें पूरा फ्री में लगे रही फ्री में हमन लगवा रहे हैं
कटको किसान मन के खेत तो योजना पता लगा हुआ तो योजना जानकारी तो बीच बीच में लेता रहा कहां से मिली जानकारी मतलब एक तो कृषि विभाग के जानकारी आते रहते और दूसरा हमारे मृदा एवं जल अभियांत्रिकी विभाग है यदि वो संबंधित वो समय रही से इसने परियोजना अभी नहीं है लेकिन समय समय में अलग अलग प्रकार की परियोजना आते रहते जेकर फायदा किसान भाई मन ले सकते हैं ग्राम के ग्राम सेवक से भी कुछ उपयोग ग्राम के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है जेकर माध्यम से खलो हो सकते अभी काबर नया नया ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तो भर्ती तक हुए है वो मन ऊर्जावान है और नया तरीका से काम करते है तो ऐसे किसान भाई मन ला वैसे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन से तक संपर्क में रखना चाहिए काबर वो मन है नियमित रूप से हमारे मन के जो कृषि विभाग है और हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय है तेकर संपर्क में रहते मासिक जो बैठक होते हर महीना जो बैठक होते तेमें आत रहते तो मतलब ज्यादा जानकारी भी रहते साथ में तेकर से जुड़ के फायदा ले सकते हैं किसान भाई मन जुड़े रहते और वो ड्रिप में जो कहते रहे हैं कि जैसे हमन जो ड्रिप जब लगते तो लास्ट में फ्लैश वॉल तक दे दे जाते हैं अच्छा। हम मुख्य पाइपलाइन ले तो हम जमीन के नीचे लगा दे हैं और उमे काई जम गए तो का हुई ओकर सिस्टम पर का करते लास्ट में फ्लश वॉल दे रहे थे अच्छा। और अम्लीय उपचार तो को कई घाव करे पड़ते जिस देखें ज्यादा काई जम गए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल मिला के और फ्लश कर देते तो अच्छा। फ्लश करे से पूरा काई है बाहर निकल जाते हैं अच्छा, एक अलावा जैसे सैंड वाला फिल्टर बता रहे हो रेत वाला फिल्टर तो में जो सफेद रेत रहते अच्छा है ना अब पानी है ऊपर रेत से छन के नीचे डहर जाके टपकत रहते पानी यदि गंदा है तो कुछ दिन बाद वो रेत है सफेद है मटिया हो जाते एकर मतलब ये है कि अब रेत के सफाई करे के बारी आगे है ऐसे करे पर पानी का करते ऊपर डाले न जाके पानी है नीचे डाले जाते तो नीचे डाले जाते तो पूरा रेत ला खोला देते अच्छा और वो वाल ला खोल देते तो पूरा पूरा मटमेला पानी बाहर निकल जाते रेत है नहीं निकले रेत उचके जाली में फंस के रह जाते और पानी पूरे मटमेला पानी जब मटमेला पानी साफ पानी निकलने लग गए मतलब जान गए तो रेत धुल गए मतलब जत का गंदगी जमी रिश्ते निकल गए ऐसी किस्म से एक और जो मेंटेनेंस रहते देखभाल रहते ड्रिप सिंचाई के ओकल घलो घलो बीच बीच में करत रहना चाहिए ताकि ज्यादा गंदगी झन जमा हो जाए है ना काबर अल्टी यदि तो इमीटर में गिस जहां बूंद बूंद टपकत है तेमें गिस तब ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करते हैं दूसरा जैसे हम स्प्रिंकलर सिंचाई की बात करें स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में मुख्य ये है दो चीज है एक है पानी गिरे के दर और एक पानी सोखे के दर ये दोनों चीजें तो किसान भाई ने ये हमेशा याद रखना है यदि स्प्रिंकलर सिंचाई करत हस तो पानी गिरे के दम जो दर है वो थोकन कम रही सोखे के दर से तब बने रही काबर अच्छा। यदि पानी गिरे के दर ज्यादा होगा तो बोहल लग जाएगी पानी स्प्रिंकलर के सिद्धांत खत्म जबकि स्प्रिंकलर सिद्धांत प्रमुख रूप से यही है कि जो पानी जो बूंद जे मेर गिरत है उसी जगह सोख लिया जाए ताकि बहे झन काबर थोड़ा गीला हो बताओ धीरे करे परत हुई नहीं धीरे तो नहीं लगे काबर उतना टाइम रहते कि पानी धीरे 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 करके सोख ले जाते मतलब भुईया पूरा गीला हो गया कस के पूरा गीला तो बंद कर है ना हाँ? हाँ। काबर जल की उपयोग क्षमता बढ़ाना उद्देश्य है जी। पानी बुहाना नहीं है जैसे हम रापा ने मेड़ फोड़ के पानी नाली लेके बुहा लेते लेकिन स्प्रिंकलर से बुहाना नहीं है पानी ला अच्छा। ऐसे लगाना है गेहूं चना जिसमें लगा है ऐसे लगाना है कि जो बूंद जो मेरी गिरी उस जगह सूख जाए ऐसे एक दर ला ध्यान रखना है कतका दर से पानी आते है ज्यादा पानी आते है और कम पानी जमीन में जाते है तो पानी बुहाविच कर एकड़ में कतक खर्चा जाए स्प्रिंकलर में अलग अलग सिस्टम के अलग अलग खर्चा है स्प्रिंकलर सिस्टम तो बड़े बड़े कंप्यूटराइज एरोप्लेन सिस्टम से जुड़े हुए सिस्टम तक है अब जैसे ड्रिप सिंचाई पद्धति स्प्रिंकलर सिंचाई करते एक एकड़ में किसान चाहे तो 50,000 में तक घर लग सकते काबर हर प्रकार के फिल्टर लगाना जरूरी नहीं है एक बार निम्न लागत ड्रिप सिंचाई पद्धति घलो हमन बनवाए हैं इसमें जैसे कुछ नहीं तो किसान भाई जैसे बिजली की समस्या बड़ा रहते गाँव भाई अभी चल बिजली है तब नहीं है तो जब बिजली है तब तो जैसे घर है मकान है या बड़े तो पंप हाउस बना है उसमें ऊपर 500 लीटर टंकी रख लो छोटे किसान पर बताता हूँ छोटे किसान जो बारी बखरी पर अपन बोना चाहते तो 500 लीटर टंकी जब लाइट है बिजली है तब भर ले जी। और ओकरे माध्यम से जब पाइपलाइन से शुरू कर दे जब लाइट नहीं तब है पहले हम ग्रेविटी कथन के पानी ले पहले हम सकेल के भर लें टंकी में अब वाल ला खोलबो तो वो वाल से हमारे जहां जहां पाइप गए है वहां बूंद 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 के गिरत रहे तो ये निम्न लागत तक हरे 4,000-5,000 में किसान छोटे किसान अपन ब्यारे बकरी पर कर सकते और नमी संरक्षण पर जैसे आपके आज के जो जानकारी है तिल हमारे किसान भाई मन बहुत अच्छा बताएंगे वर्मा जी आप भी जो ड्रिल के बारे में बताया तो खर्चे खर्मन के समय पैसा बाँची आप पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाई सुरोती के बहुत बहुत बधाई और आज सुरोती त्योहार है तो मतलब बने ढंग से सब करे